एक बार फिर से हम वादियों की तरफ आ गए हैं। एक्शन। ये वहाँ होता है जहाँ कोई नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ संवाददाता चुन्नू चौरसिया, रेडियो सिटी के लिए लाइव। और फाइनली लॉकडाउन 4 में सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन पति लोगों को जो रियायत चाहिए थी वो शायद उन्हें अभी तक नहीं मिली है और वो उन्हीं की तरफ आंखें टिकाए बैठे हैं। दरअसल पति लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन 4 में सलून खोले या ना खोले, लेकिन कम से कम ब्यूटी पार्लर को जरूर खोला जाए, क्योंकि जिस बीवी की शक्ल वो पिछले लगभग 7 दिनों से देख रहे हैं उसमें कुछ तो बदलाव आए। ये बात पति लोग खुल कर नहीं कह रहे हैं, लेकिन अक्सर दबी कुचली आवाज में इनकी बातें सुनाई दे जाती हैं। मैं वैसे तो पति नहीं हूं, लेकिन मैं समझता सब हूं। साथ ही साथ मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लॉकडाउन जब खोले तब खोले, लेकिन वो कोरोना वाली जो कॉलर ट्यून है वो बदल दे मत। जब तक वो कॉलर ट्यून खत्म होती है हम यही भूल जाते हैं कि बात क्या करने वाले थे। तो ये हमारे इस विचार पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल मैं चलता हूँ किसी को फोन करने, इससे पहले कि भूल जाऊँ उसे क्या कहना है। मैं हूँ संवाददाता चुन्नू चौरसिया, रेडियो सिटी के लिए लाइव। धन्यवाद। फोन का है मेरा, अरे फोन से तो ये वीडियो बना रहा है भैया, वो फोन दो जरा। चुन्नू चौरसिया के साथ चिपके रहने के लिए यूट्यूब पर रेडियो सिटी इंडिया को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के लिए रेडियो सिटी इंडिया का पेज लाइक करें। चुन्नू चौरसिया। भैया अगर दौड़ते हुए आ गया ना तो मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है। बड़ी हंसी आ रही है। तो एक बार फिर से हम वादियों में बाहर की तरफ। एक्शन कौन बोलेगा।